उन्होंने ग्राम प्रधान कैलाश निषाद से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए आश्वस्त किया कि अगर आपको न्याय नहीं मिलेगा तो आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी आपके समर्थन में सड़क पर उतरने का कार्य करेगी। आपको बता दें कि गांव में कार्य कराने के बाद ग्राम पंचायत के खाते में धन होने के बावजूद भुगतान न किए जाने का आरोप ग्राम प्रधान ने लगाया था ब्लॉक के अधिकारियों पर। उन्होंने गंभीर आरोप लगाकर वीडियो भी वायरल किया था। कुछ दिनों के लिए गाँव छोड़कर गुजरात भी चले गए थे। उनका यह भी कहना है कि गाँव में कराए गए कार्यों में जो भी मटेरियल्स लगे हैं उसका तथा उसके मजदूरों की मजदूरी बकाया हो गई। बकायादार काफी परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं गुजरात में कमाने जा रहा हूं। प्रधान द्वारा लगाए गए आरोपों का वीडियो वायरल होने के बाद ब्लॉक कर्मचारियों ने ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके साथ ही जिलाधिकारी द्वारा ग्राम प्रधान पर भुगतान किए जाने के बजाय उल्टे 7 बिंदुओं पर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। आज आप गौनर ग्राम सभा में आई हैं, ग्राम प्रधान से मिली हैं, क्या समस्या आप इन्होंने बताई? देखिए, गौनर ग्राम सभा में गौनर के प्रधान जी का ओजस्वी और ऊर्जावान और काफ़ी होनहार युवा एक प्रधान गौनर ग्राम सभा की यहाँ की जनता चुनी, जिसमें मैं यहाँ की जनता को मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने गौनर का ऐसा होनहार ग्राम प्रधान चुना। आज गौनर में ही ग्राम प्रधान यहाँ एक पंचायत भवन है, पंचायत भवन में कार्यक्रम इनका इतना बढ़िया है कि इस तरह का मैं जानती हूँ पूरे पूर्वांचल में जो इनकी एक्टिविटी है इस पंचायत भवन को सजाने के लिए, जहाँ गोरखपुर में घूमने जाते हैं लोग, चिड़ियाघर जाते हैं, जगह जगह ऐसे स्थानों पे जाते हैं, वो पहल आज गौनर में देखने के लिए मिल रहा है। और देखने को क्या मिल रहा है, ग्राम प्रधान ने अपनी सोच समझ और अपने शिक्षा अपने इनोवेशन से आज गौनर के इस पंचायत भवन को सजाया। और सजाने का मतलब यह है कि आज ये प्रधान जी कैलाश निषाद जी जो ग्राम प्रधान हैं उनकी पीड़ा है कि हमने काम तो किया लेकिन इसका अंजाम मुझे झेलना पड़ा। मैं काम करते हुए भी इस गांव को सजाया, पैसा न रहने के बाद, बजट नहीं रहने के बाद भी मैंने काम कराया, लेकिन लास्ट में बजट देने से यह यहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं वो आनाकानी करने लगे। आज काम करने के बाद भी इसको इतना शिल्प में ढाल दिया गया है, उसके आज इसका परिणाम यह है कि आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी आज गवर्नर के प्रधान जी को ये नोटिस दे रहे हैं, कारण बताओ कि आपने इतना पैसा कहाँ खर्च किया। अरे, इस सरकार में सिर्फ वादे हैं बड़े बड़े, बजट है ज़्यादा कि हमने ये दिया, हमने वो दिया, हमने ये दिया, कह तो दिए लेकिन जो दिए हैं उसको तो दे ही नहीं पा रहे जिसने किया है काम। आज ग्राम प्रधान यहाँ का उदाहरण है गवर्नर गांव का, इतना अच्छा काम करवाने के बाद यहाँ की जनता खुश है, जिससे ही पूछा जा रहा है, टहलने आते हैं, यहाँ बैठते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया चबूतरे बने हैं, आलीशान बागीचा बन गया है, तो एक पर्यटक स्थल बन गया है। लेकिन इतना अच्छा काम करने का रिजल्ट है कि प्रधान को पनिश किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है इस माध्यम से कि आपने इतना पैसा लगाया कहाँ से, आपने अपशब्दों का प्रयोग किया, आपने कहा कि जनता का नौकर हूँ, तो कहा गया है कि किसी का गुस्सा किसी पर उतारना, तो आपको खुद एक गांव का विकास अच्छा नहीं लग रहा है। जो वादा किए हैं वो वादा से वो मुकर रहे हैं। तो मैं आदरणीय DM साहब और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहती हूँ कि आपने जो ग्राम सभा में सीधे फंड दिया उसका क्या, किसी ग्राम प्रधान ने काम कराया तो उसका वेरिफिकेशन क्यों इतना गलत है? अगर इस तरह है तो मैं ग्राम प्रधान के साथ हूँ, अगर ग्राम प्रधान के ऊपर कोई आँच आती है तो मैं निर्मला पासवान कांग्रेस कमेटी से, जिला कांग्रेस कमेटी से एज ए सोशल वर्कर होने के नाते मैं इनके साथ हूँ और ये लड़ाई मैं सड़क पर लड़ूंगी। गोरखपुर से विनय दुबे की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।